सो आगे हम देखते हैं कि हमें पॉक को दिखाया जाता है स्विमिंग करते हुए, जहाँ पे कोच उसकी तारीफ़ करता है। इस वजह से एक और स्टूडेंट वहाँ पे जेलस फील करता है पॉक से। आगे हम देखते हैं शावर लेने के लिए पॉक जाता है वॉशरूम में, तो वहाँ पे वो बच्चा कुछ और स्टूडेंट्स के साथ मिलके पॉक को थोड़ा बुली करता है। वो लोग जब वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं तो उन्हें टोंग देख लेता है और वो समझ जाता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ जरूर किया है पॉक के साथ। वहीं दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है वायु को, जहाँ पर वायु सोच रहा होता है थनु के बारे में। तो यहाँ पे पाउस से पूछने लगता है क्या हुआ, तो वायु कहता है कुछ नहीं, बस मैं कुछ सोच रहा था। यहाँ पे पा कहता है वायु से कि तुम्हें यहाँ पे डेली आने की ज़रूरत नहीं है, शायद तुम यहाँ पे आकर बोर फील करते हो, तुम्हें वीकेंड्स में अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। यहाँ पर वायु उससे कहता है हाँ ज़रूर, लेकिन जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम सभी लोग मिलके घूमने जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं वायु जाता है नर्स के पास और वहाँ पे बोलता है उन्हें पा का ध्यान रखने के लिए, तो ये सारी बातें सुन लेता है थनु। आगे हमें ग्राउंड में दिखाया जाता है मार्क को अपने फ्रेंड के साथ फुटबॉल खेलते हुए, यहाँ पे वो गेम जीत जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो वीडियो कॉल पे बात करता है किट से, थोड़ी बहुत बातें होती है और साथ में फ्लर्टिंग भी करता है यहाँ पे, और बहुत प्यार से मार्क यहाँ पे वीडियो कॉल पे किट के चिक पे किस भी करता है उसे। यहाँ पे वो दोनों हैप्पली होके एक दूसरे से बात तो करते हैं, बट बाद में साफ नज़र आता है कि वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रहे होते हैं। हम देखते हैं वहाँ से मार्क चला जाता है, तो वहाँ पे गेम खेल रहा होता है जैक भी, तो उसे बॉल लगती है जिसकी वजह से उसकी नोज़ से ब्लीडिंग होने लगती है, तो वहाँ पे उसे ट्रीट करने के लिए आ जाता है खो। यहाँ पे खो उसे अपना हैंकी देता है, तो यहाँ पे खो उसे फ्लर्ट करने लगता है। जैक कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मुझसे ऐसे बातें मत करो। थोड़ी देर बाद हमें वायु को दिखाया जाता है पार्किंग एरिया में, जहाँ पे वो सैप को कॉल करके बुलाता है उसे रिसीव करने के लिए। यहाँ पे वो अपने फ़ोन में देखने लगता है थनु के साथ अपनी फ़ोटोज़, जिन्हें देख के वो थनु को काफ़ी मिस करता है। वहीं दूसरी तरफ थनु भी मिस कर रहा होता है वायु को। दोनों एक दूसरे को कॉल करने का सोचते हैं बट कॉल नहीं करते। आगे हम देखते हैं पाए और किट एक रूम में रह रहे होते हैं, तो यहाँ पे पाए सवाल करता है किट से कि तुम इस तरीके से मार्क से दूर क्यों रह रहे हो, उससे आजकल मिलते भी नहीं हो, सिर्फ कॉल्स पे बातें करते हो। यहाँ पर उसे कहने लगता है किट क्योंकि हमारे बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, हम कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। पाए यहाँ पे कहता है क्या तुम मिस नहीं करते मार्क को, किट कहता है मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। पाए उसे पूछता है फिर तुम दोनों कब मिलोगे, किट कहता है पता नहीं, देखते हैं कौन एक दूसरे से दूर रहना हैंडल कर पाता है ज़्यादा समय के लिए। तो यहाँ पे उसे कहने लगता है पाए ये काम मार्क नहीं कर सकता, वही तुमसे पहले आके मिलेगा। और यहाँ पे ना वो वीडियो बनाने लगता है किट की और कहता है जब मैं तुम्हारे ये सैड वीडियो दिखाऊँगा मार्क को तो वो तुरंत तुम्हारे पास आ जाएगा। यहाँ पर किट मना करने लगता है पाई को वीडियो बनाने से, तो वो उसका फ़ोन ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जब मार्क घर वापस आता है तो वो सैड होता है क्योंकि वो किट को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमें लाइब्रेरी में बैठे हुए पाई को, जो अपने फ्रेंड्स से ग्रुप चैट कर रहा होता है। यहाँ पर सभी फ्रेंड्स डिनर पे मिलने की बात करते हैं और कहते हैं क्या हम सैंडी को भी बुलाएं, तो कुछ फ्रेंड्स मना करते हैं। वो लोग कहते हैं अरे ग्रुप में सैंडी भी है, इस तरीके से बातें मत करो। ये सब कुछ मैसेज पढ़ के यहाँ पे पाए को बुरा लगता है सैंडी के लिए। हम देखते हैं वहीं दूर बैठा रहता है लाइब्रेरी में सैंडी भी, तो यहाँ पे पाए उसकी तरफ देखता है क्योंकि सैंडी भी उन सभी मैसेज को पढ़ चुका था। सैंडी वहाँ से चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है पाए को वेट करते हुए सैंडी का। जब वहाँ पर सैंडी आता है तो उससे कहता है क्यों आए तुम यहाँ पर, अब क्या बात करना चाहते हो मुझसे। तो यहाँ पे पाए उससे कहता है चाहे तुम कुछ भी कहो लेकिन मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगा और तुम्हारी थिंकिंग को बदल के रहूँगा। वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगता है सैंडी, तो उसे फॉलो करता है पाए भी। रूम में आने के बाद पाए बात करता है सैंडी से और कहता है ये सब कुछ बंद कर दो और कितने लोगों को तुम हर्ट करोगे। यहाँ पे उसकी नहीं सुन रहा होता सैंडी और कहता है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। यहाँ पे उसे क्लियरली बोलता है पाए कि मैं पसंद नहीं करता हूँ थनु को और ना ही थनु मुझे पसंद करता है। सैंडी कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, पहले तुमने मुझे कुछ और कहा था, बातें मत घुमाओ। यहाँ पे उसे समझाता है पाए कि ऐसा कुछ नहीं है, पहले मैं कंफ्यूज था थनु को लेके, लेकिन अब मैं श्योर हूँ कि मैं उसे लाइक नहीं करता। और यहाँ पे उसे प्रूफ करने के लिए पाए अपनी शर्ट उतारने लगता है। सैंडी उसे कहता है तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे हम देखते हैं पाए अपने शोल्डर पे लगे हुए उस चोट के निशान को दिखाता है जो थनु की जान बचाते समय उसे लगी थी। यहाँ पे हम देखते हैं पाए ने वहाँ पे एक टैटू डिज़ाइन करवा लिया होता है। यहाँ पे पाए कहता है सैंडी से कि वो सब कुछ एक सिर्फ कोइंसिडेंट था और कुछ नहीं। यहाँ पर पाए कहता है सैंडी से कि मैं पसंद नहीं करता थनु को क्योंकि ऑलरेडी उसकी लाइफ में उसका सच्चा प्यार है, तो प्लीज़ अब तुम ये सब कुछ करना बंद कर दो।
तो यहाँ पर हम देखते हैं सारी बात समझ जाता है सैंडी और कहता है ठीक है अब मैं आगे से कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पर उससे पाई कहता है तुम्हें जाके थनु और वायु से माफ़ी मांगनी चाहिए। सैंडी उस चीज़ के लिए भी एग्री होता है, साथ में थैंक्स बोलता है वो पाई को कि तुमने मुझे समझा और अपनी फ्रेंडशिप निभाने के लिए इतना कुछ किया। अभी यहाँ पर दोनों के बीच में एक तरीके से सब कुछ ठीक हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है किट को जो कि वायु को कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारी फैकल्टी के बाहर हूँ। तो वहाँ पे थनु आ जाता है और कहने लगता है किट से कि तुम पास से मिलने जा रहे हो ना। यहाँ पे कहता है उसे किट हाँ क्या तुम हमारे साथ चलोगे, थनु मना करता है। थनु उसे कुछ स्नैक्स और कॉफ़ी देता है और कहता है इन्हें साथ ले जाना और जो तुम्हारे साथ पर्सन हो उसे भी दे देना। तो यहाँ पे उसे कहने लगता है किट ये सब कुछ तुम वायु के लिए लाए हो ना, क्या मैं उसे बताऊँ। यहाँ पे मना करता है थनु, कहता है नहीं उसे मत बताना। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे वायु आता है तो किट उसे कॉफ़ी दे देता है। कॉफ़ी के कप को देखकर समझ आ जाता है वायु को कि उसके लिए इसे थनु ने भिजवाया है और वो काफ़ी खुश भी होता है। आगे हमें दिखाया जाता है स्विमिंग पूल के पास जहाँ पर कोच डिसाइड करता है कि चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करेगा पोक, जिस वजह से कुछ बच्चे उससे नाराज होते हैं और कोच से भी बहस करते हैं। हम देखते हैं आगे लॉकर रूम में जहाँ पे वो सभी बच्चे मिलके बुली करते हैं, काफ़ी पीटते हैं पोक को। पोक जब घर वापस आता है तो काफ़ी दुखी होता है और वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है यहाँ पर टोंग को। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टोंग को भी, वो भी काफ़ी मिस करता है पोक को। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाता है कि थनु से मिलने के लिए जाता है सैंडी, उससे क्या बातें होती है ये नहीं दिखाया जाता। आगे हम देखते हैं किट और मार्क को वीडियो कॉल करते हुए थोड़ी बहुत बातें करते हैं और कहते हैं एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं बट उम्मीद करते हैं हम दोनों जल्दी मिलेंगे। वहीं हम देखते हैं पाए मिलने जाता है वायु से। यहाँ पर वायु उसका स्केच रिटर्न करता है पाए को। पाए यहाँ पे सॉरी बोलता है वायु से कि मेरी वजह से आपके और थनु के बीच में ये प्रॉब्लम्स हुई है। वायु कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है ये सब कुछ सैंडी ने किया है। यहाँ पर वायु कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स थे इसलिए हम लोग अलग हुए हैं। पाए कहता है मुझे उम्मीद है अगर इस बार आप दोनों साथ आएंगे तो फिर कभी अलग नहीं होंगे। पाए कहता है कि मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, आपसे कोई माफ़ी मांगना चाहता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सैंडी और साथ में पी थनु आ जाते हैं। यहाँ पर सैंडी पी थनु और वायु से दोनों से एक साथ माफ़ी मांगता है कि उसने उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की थी। सो यहाँ पे हम देखते हैं थनु और वायु दोनों ही माफ़ कर देते हैं सैंडी को और कहते हैं आगे से तुम किसी और के साथ ऐसा मत करना। सैंडी कहता है मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। माफ़ी मिलने के कारण यहाँ पे सैंडी और पाए दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं। हम देखते हैं पाए कहता है यहाँ पे थनु और वायु से कि तुम दोनों भी अब साथ में आ जाओ और अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर लो। लेकिन यहाँ पर वायु उठ के जाने लगता है और कहता है मुझे कुछ काम है। तो यहाँ पर पाए कहता है थनु से कि उसे फॉलो करो और उससे बात करो। पहले तो थनु मना करता है, कहता है अभी मुझे उसे कुछ टाइम देना चाहिए, लेकिन पाए बार बार बोलता है तो थनु उसे फॉलो करने के लिए जाने लगता है। तभी जो वहाँ पर डेस्क पे स्केच रखा होता है पाए का वो नीचे गिरता है, दोनों ही उसे उठाने लगते हैं, इसी चक्कर में वो स्केच फट जाता है। वहाँ से थनु चला जाता है। उसके बाद कहने लगता है यहाँ पे पाए कि मुझे ऐसा ही फील हुआ जैसा कि पहली मुलाकात में फील हुआ था थनु से मिलके। यहाँ पर उसे कहने लगता है सैंडी इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे पाए कहता है इसका मतलब यही है कि मेरे और थनु के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था। वहीं हम देखते हैं वायु को फॉलो करते हुए थनु वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है तुम कैसे हो वायु, कितने समय से हम मिले नहीं है। यहाँ पर वायु कहता है मैं ठीक हूँ और थनु से उसका हाल पूछता है। थनु कहता है मैं भी पहले जैसा ही हूँ। तो वायु कहता है नहीं तुम पहले जैसे नहीं लग रहे हो, तुम्हारे बाल बहुत बढ़ गए हैं, तुम्हारे डार्क सर्कल्स भी हो गए, आई थिंक तुम लेट नाइट तक काफ़ी ज़्यादा बुक्स रीड करते हो, मतलब बहुत कुछ कहता है उसे। और फिर कहने लगता है यहाँ पे वायु आई थिंक मुझे जाना चाहिए, लेट हो रहा है। तो यहाँ पे थनु उसे रोकता है और कहता है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पर उससे वायु कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे सैब रिसीव करने आ रहा है और मुझे उससे मिलना है। यहाँ पर उसे कहने लगता है थनु कि मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। ये सुन के वायु उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा या फिर नहीं। यहाँ पे थनु कहता है कोई बात नहीं लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। हम देखते हैं वहाँ से वायु चला जाता है और जाके बैठ जाता है सैब के पास कार में और काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। यहाँ पर उससे कहता है सैब कि तुम ठीक हो क्या। वहाँ पे रोते हुए कहने लगता है वायु कि मेरा इंतज़ार करना थनु और काफ़ी ज़्यादा रोता है।